गुड मॉर्निंग, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे एक करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी बहुत ही अच्छा पूछने वाला टॉपिक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जी से। अब देखो बेटा, करंट डेंसिटी क्या कहता है कि करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ऐसा यूनिट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? इसकी ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक ये तो कॉमनली बात है। बात करते हैं बेटा इसके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की। ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी? पहली बात तो हम बात करते हैं एरिया की। एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसको नॉर्मल बनाने के लिए इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे पास ये कोई एरिया है, इसको यदि हमें क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि एरिया को नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो आई इजिकल टू क्या होगा? जे ए, जे ए। और एरिया को यदि वेक्टर बनाना है तो हमारे पास की सिंपल सी बात है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इन दोनों का कैसा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो करंट डेंसिटी यहाँ से हमें पता लगती है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वैक्टर क्वांटिटी। बहुत बार क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया जाता है कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वैक्टर क्वांटिटी। यहीं से हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, सर करंट स्केलर क्यों क्वांटिटी होती है? जैसे आई इजकल टू जे ए, जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो कोस कंपोनेंट आता है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमारे पास आता है बेटा साइन कंपोनेंट। यहाँ पर डॉट है, जे डॉट ए, जे ए कोस थीटा। अब बात और भी थोड़ी सी आगे चल जाती है कि सर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड नॉर्मल यूनिट वैक्टर, नॉर्मल यूनिट वैक्टर। तो यहाँ से वर्ड आ जाता है बेटा थीटा, किस किस के बीच में एंगल है? थीटा हम बता सकते हैं एरिया के साथ नहीं है, एरिया वेक्टर के साथ है, जिसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, एन कैप बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं और भी, यदि हम देखें, यदि थोड़ी सी बात और करें, आई इजकल टू जे डी एस का इंटीग्रल फॉर्म भी कर सकते हैं बेटा, इसका कर सकते हैं बेटा इंटीग्रल। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास पूछ जाते हैं, आई इजकल टू जे डी एस, यदि एरिया पूछा जाता है जे डी एस का इंटीग्रल, अब इसके बाद हम करेंगे तो हमें नॉर्मली याद रखना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो इसके ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछा जाता है कई बार, तो डायमेंशन के बारे में ही बात कर लेते हैं हम। करंट की क्या होती है बेटा? करंट का हमारे पास 80 होता है और एरिया का एल स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा? एल स्क्वायर 80, ये क्या होता है? डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। सॉरी, हमने गलत कर दिया। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। और एरिया क्या होती है बेटा? एल स्क्वायर, एल माइनस टू एरिया, सॉरी एम्पियर। अब हम रिलेशन करते हैं, हम करते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जैसे अब बात करेंगे बेटा करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा, तो हमने पढ़ा है बेटा कि जे इजकल टू, देखो बेटा आई इजकल टू क्या पढ़ा है? ए एन ई वी डी। तो हमें यहाँ देखा आई अपोन ए क्या होता है? करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो यहाँ से ए को इसको डिवाइड कर दिया गया, इधर से आ गया इसके नीचे एन ई वी डी, एन ई वी डी। आई अपोन ए इज नोन एज करंट डेंसिटी, जे इजिकल टू एन ई वी डी। हमने पहले पढ़ा है ड्रिप्ट वेलोसिटी, हमारा जो सेकंड जो वीडियो होगा वो ड्रिप्ट वेलोसिटी के ऊपर है। ड्रिप्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या है? माइनस ई ई टाउ अपोन में एम। यहाँ पर याद रखना बेटा एवरेज रेशियो टाइम की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है।
माइनस रिप्रेजेंट द ड्रिप वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देयरफॉर माइनस इसलिए हम हटा पा रहे हैं। तो जे इजकल टू एन ई वी डी की वैल्यू ई टाऊ अपोन में एम, टाऊ अपोन में एम। तो यहाँ से हमें मिला जे इजकल टू एन ई स्केयर टाऊ अपोन में एम इजकल टू ई। हमने अभी इसे पहले ही लेक्चर में डाला है, जे इजकल टू ये क्या होती है बेटा, सिग्मा। क्या होती है बेटा, सिग्मा। जे इजकल टू सिग्मा ई, जे इजकल टू सिग्मा ई। अगला टॉपिक पूछने वाले टॉपिक हमारे पास आता है बेटा, रिलेशन बताओ किस किस के बीच में बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटिविटी। रिलेशन करना है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रजिस्टिविटी, मोबिलिटी एंड रजिस्टिविटी के ऊपर। तो इसके ऊपर भी हम देखते हैं बेटा, यदि आपसे पूछ ले कि हमें रिलेशन बताओ जे रजिस्टिविटी एंड ई के बीच में, तो हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जे इजकल टू वन अपॉन रो इन टू ई भी लिख सकते हैं, इसको याद रखेंगे बच्चा। तो हम यदि मोबिलिटी और रजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन कर रहे हैं, तो हमें यह सबसे पहले देखें, आई इजकल टू ए एन ई वी डी हमें पढ़ा है। तो आई अपोन ए किसके बराबर है, यहाँ से आई अपोन में ए इजकल टू एन ई वी डी, आई अपोन ए जे के बराबर रहेगा, जे इजकल टू एन ई वी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो हमने पहले प्रूव कर रखा है इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को एक साथ रखते हैं बेटा। तो यहाँ से देखिए बेटा, और भी देख लो, मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो मोबिलिटी हमने पढ़ाई है विडी इजकल टू म्यू ई, विडी इजकल टू म्यू ई। तो यहाँ से जे इजकल टू एन ई म्यू ई, इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं इसको। तो जब ये भी जे इजकल टू वन अपॉन रो ई है और ये जे इजकल टू एन ई म्यू ई है, दोनों को जब हम बराबर की ओर रखते हैं, तो वन अपॉन में रो ई इजकल टू एन ई म्यू ई, ई से ई कैंसिल, तो हमारे पास मिल जाता है बेटा वन अपॉन रो इजकल टू एन ई म्यू, एन ई म्यू। तो सिंपल सी फॉर्म कह सकते हैं रो इजकल टू वन अपॉन में एन ई म्यू, एन ई म्यू। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, बताओ रिलेशन बताओ किस किस बीच में, करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या करंट डेंसिटी रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करना है। यदि क्वेश्चन पूछ ले रिलेशन बताओ मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, तो हमें इस प्रकार से डिस्क्राइब करना होगा।